ये भूत प्रेत सुखी थोड़ी होते हैं। हम सोचे भूत बनना बड़ी अच्छी बात है, ये सुखी नहीं रहते, ये न खा पाते हैं, न पी पाते हैं, न सो पाते हैं, भूख से तड़पे, प्यास से तड़पे, सोने के लिए तड़पे, तो भटकने लगा यहां वहां चारों तरफ। गौकर्ण शिक्षा पूर्ण करके लौटे हैं, मान जानते हैं कि माँ मर चुकी है, पिता जंगल में है, पर ये नहीं मालूम कि भाई भी मर चुका है। सोच रहे हैं कि होगा यही कहीं घूम रहा होगा। शाम को गौकर्ण रात्रि में जब विश्राम कर रहे थे तो अचानक उनके सामने गाय आके खड़ी हो जाती, कि भैंस आके खड़ी हो जाती, बकरी आके खड़ी हो जाती, कुत्ता आ जाता, कहीं अनेक प्रकार की अजीब अजीब आवाजें आती। समझ गए गौकर्ण कि यहाँ कोई प्रेत बाधा है। अंजलि में जल लेके उस स्थान पर जल का छिड़काव किया है और पूछा कि बता तू कौन है। तब गौकर्ण बोला कि भैया मैं धुंधकारी बोला कि भैया मैं धुंधकारी हूँ, मैंने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि उन पाप कर्मों के कारण आज मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। भैया मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराइए, छुटकारा दिलाइए, भैया मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुक्ति दिला दीजिए। गौकर्ण ने जब धुंधकारी की वो अवस्था देखी तो गौकर्ण को बड़ा दुख हुआ, बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लग रहा है। तब गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए कुछ काम किए। मृत्यु के बाद जो काम किए जाते हैं, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि इत्यादि सभी प्रकार के काम किए, उसको मुक्ति नहीं मिली। सोचा चलो ठीक है, प्रयागराज में जाके पिंडदान करें, तो गंगा जी में संगम में तीर्थराज प्रयाग में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, पर मुक्ति नहीं मिली। अब जब वहां मुक्ति नहीं मिली तो सोचा कि चलो गया जी में जाके, गया जी में तो कहते जो गया सो तर गया। अब जब गया जी में जाके पिंडदान श्राद्ध तर्पण किया तो गया जी में भी उसका उद्धार नहीं हुआ। अब ये सोच में पड़ गए कि प्रयागराज में उद्धार नहीं हुआ, गया जी में उद्धार नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा पिंडदान होता है जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं, बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली में, बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली, वहां पर यदि पिंडदान हो जाए तो कहते हैं सात पीढ़ी माता के पक्ष की और सात पीढ़ी पिता के पक्ष की तर जाती है। वैसे तो गया जी में भी करने से तर जाती है, लेकिन ब्रह्म कपाली का कुछ अलग ही महत्व है। ब्रह्म कपाली तो वहां जाके जब पिंडदान किया तब भी कोई फर्क नहीं, वो ज्यों का त्यों भूत बन के भटक रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। गौकर्ण ने कहा अब मैं क्या करूं, जितना मुझे मालूम था कि प्रेत योनि से मुक्ति के लिए जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया, गया जी में, प्रयागराज में, ब्रह्म कपाली में, घर में, सब जगह, लेकिन अब इसके आगे मैं क्या करूं। दूसरे दिन सूर्य नारायण के रथ को रोकते हैं और हाथ जोड़ के पूछते हैं कि भगवान अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूं। तब सूर्य नारायण ने गौकर्ण जी से कहा कि हे गौकर्ण, आप तो वैसे भी परम ज्ञानी हैं, फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बताए देते हैं कि आपके भाई ने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए हैं, बड़े बड़े पाप, इतने बड़े बड़े पाप इसने कर दिए हैं कि जिनका पश्चाताप पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि करने से भी नहीं होता। अब मैं जो कह रहा हूं आप वो कर दीजिए, क्या करें भगवान। तब सूर्य नारायण जी बता रहे हैं कि आप गौकर्ण को श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुना दीजिए। क्या कर दीजिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए, तर जाएगा। अनुष्ठान के रूप में भागवत जी की कथा की तैयारियां शुरू हो, अनुष्ठान, सात गांठ वाला एक बांस वहां पर गाड़ा गया, सात गांठ वाला,
क्योंकि जो भूत प्रेत है वो आसन पे तो नहीं बैठ सकते। सात गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया, उस बांस के ऊपर धुंधकारी आकर के बैठा है। पहले दिन की जब कथा पूर्ण हुई तो पहली गांठ खुल गई अपने आप, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवी, सात दिन की कथा में सातों गांठें खुल गई। और धुंधकारी को लेने के लिए कथा की जैसे ही पूर्णता हुई, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आते हैं और उस विमान में धुंधकारी जो प्रेत योनि में भटक रहा था वो देव तुल्य स्वरूप धारण करके बैठता है और भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। जब धुंधकारी ने भागवत की कथा सुनी तो धुंधकारी का उद्धार हो गया, धुंधकारी का तरण और तारण हो गया। ये भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है।